की फोटो की ट्वीट। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। राधामोहन का 78वां साल की उम्र में हुआ निधन। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए सचिन पायलट। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। आगे बढ़ते हैं और देश और दुनिया की तमाम खास खबरों पर नजर डालते हैं। अलीगढ़ में बीते दिनों जहरीली शराब से हुई मौतों से आहत होकर एक युवक भूख हड़ताल पर बैठ गया और समाज में बढ़ रही बुराइयों को लेकर अकेले ही मुहिम छेड़ दी। वहीं इस समाज सुधारक मुहिम में आसपास के ग्रामीणों का भी भरपूर समर्थन मिला। दरअसल बीते दिनों जहरीली शराब ने लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिससे विशेष विजय सिंह नाम का शख्स बुरी तरह आहत हुआ और एक समाज सुधारक मुहिम छेड़ दी और अकेले ही भूख हड़ताल पर बैठ गया, जिसे देखकर आसपास के ग्रामीण और नौजवानों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया। जून माह की गर्मी और उमस के बीच शरीर में पानी की कमी महसूस होती है और जब राहगीर या कोई भी घर से बाहर निकलता है तो ज्यादा ऊर्जा खर्च होने के चलते प्यास लगती है। इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए आजमगढ़ नगर पालिका की तरफ से शहर के हर चौराहे तिराहे और प्रमुख स्थलों पर प्याऊ और वाटर कूलर की स्थापना कई सालों से होती आई है, लेकिन रखरखाव के अभाव के चलते ज्यादातर बंद पड़े हुए हैं। लोगों को इन वाटर कूलर के पास पहुंचकर भी मायूसी हाथ लगती है। शहर में 25 की संख्या में जगह जगह इंडिया मार्का हैंड पंप लगे हैं, लेकिन वो भी दुर्दशा के शिकार हैं और मात्र 5 से 10% ही चालू हालत में दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर शासन और प्रशासन की तरफ से तमाम दावे नागरिक सुविधाओं के लिए किए जाते हैं और लाखों करोड़ों खर्च भी किए जाते हैं रुपए, लेकिन लापरवाही के चलते आम लोगों को इन सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जो भी शहर के अंतर्गत प्याऊ हैं उनके लिए परसों ही जो जलकल अभियंता हैं उनको बोल दिया गया है कि सभी बिटाउन का सत्यापन कराएं और कौन उसमें चालू स्थिति में है, किसमें जो है वाटर कूलर काम कर रहा है कि नहीं, उसकी रिपोर्ट देने के लिए उनको कहा है। आज या कल में रिपोर्ट आ जाएगी। तो जहाँ भी वाटर कूलर नहीं होगा, फंक्शनल नहीं होगा और या पानी की समस्या होगी, उसको 2-3 दिन के अंदर। प्रतापगढ़ जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र पूरनपुर में जमीनी विवाद के चलते अपने ही चाचा ने हैवानियत की सारी हदें लांग दी और अपने भाई व परिजनों पर आधा दर्जन लोगों के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें खैरुल निशा व उनके पिता को व उनके भाइयों को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर आई पुलिस ने कई लोगों को घायल लोगों को उपचार के लिए भर्ती करवाया है व आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। तो वही पीड़ित ने मामले की शिकायत की उच्च अधिकारियों से और मामले की गहनता से जांच कर न्याय की गुहार भी लगाई है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक ही परिवार के 4 लोगों द्वारा आत्महत्या करने वाले दवा व्यापारी के माता पिता से मुलाकात की और संतावना दिया। आपको बता दें कि सूदखोर से परेशान होकर यहां एक व्यापारी ने अपने 4 लोगों के साथ आत्महत्या कर ली थी। कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी ने पीड़ित परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए। इस दौरान कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, पूरे प्रदेश में सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखेगा है कि आपके संग पूरा न्याय होगा और जो भी उन्हें गलत बयानामा कराया उसे कैंसिल कराया जाएगा। हमारी मांग यही है कि जो गलत बयानामा कराया उसे कैंसिल कराया जाए और लोगों को फांसी दी जाए। क्या कुछ अभी तक पता चल पाए हैं कि जो आपने जिससे कि आगे जो है शासकों में बारिश के मौसम की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है, जहां बाहरी विकास की गंगा अंटा चौराहा जेल रोड पर
नाली का पानी घरों में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पानी निकलने के लिए नाली तो है लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नालों की सफाई नहीं हुई, जिस कारण जल भराव रोडों पर हो गया। इसका मुख्य कारण है नालों की सफाई ना होना। शहर की आबादी तो बढ़ गई लेकिन सिस्टम वही पुराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी और टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए डीएम लखनऊ ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मीटिंग में डीएम ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी विकास कार्य किए जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में हमने एकजुटता से सामना किया और अब आगे भी तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा और खुद अपने परिवार परिचितों और अपने गांव को संक्रमण से बचाना है। साथ ही हर गांव में सैनिटाइजेशन कराया जाए। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है, इसलिए हर शख्स को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए। शाहजहांपुर में सूदखोरों के दबाव के कारण व्यापारी अशोक गुप्ता के बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के निधन की जानकारी होने पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। कैबिनेट मंत्री ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि घटना के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नंदी ने परिजनों की बातें सुनी और डीएम एसएसपी को आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भय मुक्त व्यापार और व्यापारी हितों का संरक्षण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इसकी अवहेलना करने वाले असामाजिक तत्व किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। संभल में महिला की बेहरामी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला असमोली थाना इलाके के मदाला फतेहपुर गांव का है, जहां महिला का शव गांव के पास ही खेत में पड़ा मिला। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर एसपी चक्रेश मिश्र घटनास्थल पर पहुंचे और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना असमौली के अंतर्गत ये गांव फतेहपुर मदाला है। यहां पर एक आज शाम को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव मक्के के खेत में है, जहां पर उसकी गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर सारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा तथा पोस्टमार्टम की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है तथा परिजनों से बातचीत करके FIR पंजीकृत की जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था ठीक है और इसके साथ में हम लोग इसको जल्द ही। रामपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चमन नर्सिंग होम का है। बताया जा रहा है कि बच्ची को जन्म देने के बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस से जांच की मांग की है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। थाना साबा क्षेत्र के रहने वाले सत्येंद्र, उनके द्वारा कल अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। सत्येंद्र जी की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई नर्सिंग होम में। ये उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सत्येंद्र और उसके परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम में जहाँ पर डिलीवरी हुई लोगों ने ठीक से इलाज नहीं किया, इसीलिए उनकी पत्नी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पानी।